सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त बासित खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी खान व्लॉग्स। सो फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है कुछ इस तरह की लोकेशन से। तो एक्चुअली गाइस, सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम। तो मैं आ चुका हूं यहां पे, जहां पे मैं अपनी बाइक को पार्क करता हूं। तो ये रही अपनी RR 310, बिल्कुल सामने लगी हुई है, देख सकते हैं अपनी RR 310 को। तो गाइस, मैं सुनकोट मार्केट जा रहा हूँ, तो चलते हैं सुनकोट मार्केट की तरफ, वहाँ का व्यू भी आप सभी को दिखाते हैं और देखते हैं आज की वीडियो कैसी रहने वाली है। बने रहो मेरी इस वीडियो पे, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की राइड स्टार्ट हो रही है कुछ इस तरह की लोकेशन से। तो गाइस देख सकते हैं, इस समय मैं अपने घर से जस्ट निकला हूँ सुनकोट मार्केट की तरफ। तो गाइस, एक्चुअली इन दिनों में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, आप सभी के लिए व्लॉग ज़रूर लेके आऊँ। और थैंक यू गाइस, मैं आप सभी का दिल से थैंक्स करता हूँ यार, कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, फाइनली मेरे 1K जो है वो कम्प्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया यार। आप सभी के साथ की वजह से मेरे 1K जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही अपना प्यार जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे बनाए रखिए। तो गाइस, ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो है इन दिनों में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी ने अच्छे से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो थोड़ा सा मेरा ये साथ भी दीजिए यार, कि ना मेरे YouTube चैनल पे मेरी वीडियोस को भी व्यू करें। बिकॉज सिर्फ उसको मतलब सब्सक्राइब कर देने से बात नहीं बनती है यार, मेरी यूट्यूब उनको भी व्यू। जब तक आप सभी मेरी यूट्यूब की वीडियो को देखोगे नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ गाइस, अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे कंटेंट बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँ आप सभी के लिए, जो आप सभी को देख के बहुत ही अच्छी लगे। बस आप सभी को तो पता है भाई, जब नया नया इंसान वीडियो का चैनल बनाता है गाइस, उसके पास इतनी सारे नहीं होते, वो ऐसा ऐसा जाके अपनी लाइफ में ना वो कुछ 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 सीखता है, उसके बाद ही जाते ना अच्छी वीडियो आती है। तो गाइस, आपका भाई तो नया नया यूट्यूब पर है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा स्किल्स को सीखने में टाइम लगेगा यार। तो अगर आप सभी का साथ होगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बहुत अच्छे कंटेंट बहुत अच्छी वीडियो देते हूँ। तो फाइनली गाइस, देख सकते हैं इस समय मैं अपनी हाईवे के अंदर हूँ, ये रही हमारी कोटा बाईपास हाईवे की लोकेशन। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। तो फाइनली भाई लोग, मैं पहुँचा हूँ किसी तरह की लोकेशन पे आपकी कोटा बाईपास के एरिया में, रहा हमारे सुनकोट का छोटा सा चौक। यहाँ से नीचे की तरफ पूंछ वाली साइड रोड जाती है और यहाँ से इंटर होती है सुनकोट मार्केट की तरफ। देख सकते हैं मार्केट पे खड़े हुए हैं इस समय पुलिस और CRPF के जवान। तो देख सकते हैं गाइस, जब भी जाम लगा होता है यार इन गाइस, पहले मैं इंटर हो चुका हूँ सुनकोट मार्केट के अंदर। देख सकते हैं सुनकोट मार्केट का व्यू सुबह सुबह के टाइम, इतना ज़्यादा रश नहीं मिलता है यहाँ से। ये जो नीचे वाली मार्केट है, इस मार्केट का नाम हाड़ी मल्ला है। तो हाड़ी मल्ला के अंदर इतना ज़्यादा रश नहीं होता है, तो बस स्टैंड वाली साइड ऐसा रश देखने को मिल जाता है दिन को। अपने बाइक को फिलहाल के लिए यहीं पे पार्क कर लेता हूँ, यहीं पे लगानी है मैंने अपनी बाइक, बाइक को लगा देते हैं यहाँ पे। गाइस, वो सामने रही मेरी शॉप, चलते हैं शॉप को ओपन कर लेते हैं। तो
तो गई है मेरी रोजाना की रोटी में यार, मुझे रोजाना अपने शॉप पे आना पड़ता है। गाड़ी को खोल देते हैं यार, थोड़ा सा तो गाइस ये रही अपनी शॉप। तो फिलहाल के लिए मैंने अपने शॉप को ओपन कर लिया है, तो थोड़ा सा सामान वगैरह लगा लेते हैं यार। तो गाइस ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है, ठीक है, रोज़ाना मुझे अपनी शॉप पे आना होता है। तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मेरे पास लाइका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी एंड अदर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं मेरी शॉप के अंदर। इसी के साथ एक गली है साइड से, उस गली के साथ पीछे मेरे दो स्टोर भी हैं। तो बाकी सारा माल जो है वो वहीं पे होता है उन स्टोर्स में, बिकॉज शॉप के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा जो जितना भी सामान होता है ना तो वो स्टोर में ही लगा होता है, तो दुकान के अंदर जो है वो स्पेस बहुत ही कम है। तो गाइस एक्चुअली मेरी कल कीज़ गुम गई थी, तो उसकी वजह से देख सकते हैं मेरी शॉप के अंदर बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। शाम के वक्त जब मैं घर के लिए निकला था ना तो मेरी बाइक की कीज़ जो है वो गुम हो गई थी, तो उसकी वजह से ना मैंने पूरा सामान जो है इधर से उधर उधर से इधर फेंक के चला गया था गुस्से में। तो अब सारे सामान को सही से फिर से रखना होगा। तो गाइज मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।